जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी कुछ दिनों से ना यार सोशल मीडिया के ऊपर आप जो भी कोई प्लेटफॉर्म खोलोगे, मतलब मेरे साथ तो ऐसा हो ही रहा है, कई सारे प्लेटफॉर्म्स को जब मैं खोलता हूँ, खासतौर पर यूट्यूब पर जब मैं खोलता हूँ, तो वो डोनेशन वाले एड्स जरूर आते हैं। उन डोनेशन वाले एड्स में कुछ लोगों को दिखाया जाता है, हो सकता है वो असली में हो या हो सकता है वो नकली भी हो। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट का नाम सामने आया था, जिसमें कि डोनेशन को लेकर एक फ्रॉड की बात हुई है। ईडी भी उनके ऊपर अब कार्रवाई कर रही है। तो ऐसे में अब क्या होता है, ऐसे कैंपेन्स को देखकर कहीं ना कहीं दिमाग में एक सवाल आता है कि यार ये रियल होंगे या फेक होंगे, कौन इनकी पुष्टि कर सकता है, ये किसी को समझ में नहीं आता। खैर, ऐसे कैंपेन्स में डोनेट ना कर कर मैं जो सामने जो दिखते हैं उनको डोनेट करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन अब ऐसे में अभी खरगोन में जो चीज़ें हुई, मतलब रामनवमी के आसपास जो घटनाएं हुई थी, उसके बाद जिस तरीके से बुलडोजर चलाया गया, तो जाहिर सी बात है एक वो कैंपेन्स तो फिर से स्टार्ट होने ही थे कि ऐसे लोगों की मदद करिए और ये करिए वो करिए वाले कॉन्सेप्ट तो आने ही थे सबके सामने, और वो आए भी हैं। लेकिन ऐसे में ही एक और एक ऐसा डोनेशन निकल कर सामने आया है जो कि वाकई में काफ़ी चौंकाने वाला है, लोगों के दिमाग में सवाल भी पैदा कर रहा है कि यार ये आखिर जो है वो सही है कि नहीं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक ऐसे ही स्क्रीनशॉट घूम रहा है एक ऐसे ही कैंपेन के ऊपर डोनेशन का, जिसमें कि कृतिक नाम का बंदे ने काफ़ी बड़ा डोनेशन दिया है और कई लोग सोशल मीडिया पर ही उसको पुष्टि भी कर रहे हैं कि हाँ ये ऋतिक रोशन ही है। तो जान लेते हैं पूरी खबर क्या है जो कि इस समय पूरे सोशल मीडिया पर चल रही है, और क्या सच्चाई है और क्या नहीं है ये आप ही लोग मुझे बताइएगा। हिंदुओं की शोभा यात्रा पर हमले के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली में जो बुलडोजर्स है अवैध निर्माणों पर कार्रवाई शुरू हुई, उसके बाद सोशल मीडिया पर माइल्स टू स्माइल फाउंडेशन द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें उन लोगों के लिए मदद मांगी जा रही है जिनके घरों और दुकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर से कार्रवाई करी। इस कैंपेन के लिंक को तमाम वामपंथी और कट्टरपंथी द्वारा शेयर किया जा रहा है, तमाम लोग बढ़ चढ़कर इसमें दान भी दे रहे हैं। इसी बीच एक चौंकाने वाला नाम भी डोनर्स की लिस्ट में सामने आया है। ये नाम है ऋतिक रोशन का। अमीना कौसर नाम की भारतीय अमेरिकी मुस्लिम महिला ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि ऋतिक रोशन ने खरगोन, जहांगीरपुरी जैसे इलाकों में बुलडोजर चलने से बेघर हुए पीड़ितों का जीवन दोबारा से शुरू करवाने के लिए करीब 1,00,000 रुपये की मदद करी। अमीना ने लिखा है कि आज के समय में जब कोई कलाकार मुस्लिमों के साथ खड़ा नहीं होना चाहता, शुक्रिया आपका कि आपने इस काम के लिए दान दिया और शुरुआत करके दूसरे एक्टर्स के सामने उदाहरण सेट किया। अपने ट्वीट के साथ अमीना ने कीटो पर शुरू किए गए अभियान का स्क्रीनशॉट साझा किया है, जिसके साथ देख सकते हैं कैसे उस पर टॉप डोनर्स में ऋतिक रोशन का नाम लिखा आ रहा है। राशि 1,00,000 रुपये है। इस अभियान से जमा हुई कुल राशि 91,74,000 रुपये भी दिखाई दे रही है। इसी को लेकर सभा करके एक ट्विटर हैंडल उन्होंने पूछा कि आर यू श्योर दैट इट्स ऋतिक। इसके ऊपर अमीना कहती है, यस आई एम कन्फर्म। बता दें कि सोशल मीडिया पर अमीना का दावा कितना सही और कितना गलत है इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है, लेकिन अमीना के ही ट्वीट पर देख सकते हैं कि एक सभा नाम की यूजर ने अमीना से दोबारा पूछा कि क्या वो कन्फर्म है ये वही ऋतिक रोशन है। इस पर अमीना ने दोबारा लिखा कि हाँ वो कन्फर्म करती है कि बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन ही है। गौरतलब है कीटो प्लेटफॉर्म पर शुरू अभियान के शीर्षक पर खरगोन और जहांगीरपुरी जैसे इलाकों के नाम है। अभियान का उद्देश्य उन लोगों के लिए पैसा जुटाना है जिनकी घर या फिर दुकानों पर बुलडोजर चला। माइल्स टू स्माइल फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे अभियान को लगभग 4,000 लोगों का समर्थन मिला है और इनके जरिए करीब 1 करोड़ से ज्यादा की धनराशि इकट्ठी कर ली गई। इस पूरे अभियान की दिलचस्प बात यह है कि जो संस्था इसे संचालित कर रही है उसका रोहिंग्याओं से खासा लगाव है। इससे पहले उन्होंने देश में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने के लिए फंड एकत्रित किया था। इतना ही नहीं, इन्होंने हरियाणा के नू में लर्निंग सेंटर भी खोला था और वहीं पर रोहिंग्याओं को छत देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा रोहिंग्या छात्रों को गणित विज्ञान पढ़ाने के साथ कुरान की शिक्षा देने का भी इन्होंने इंतजाम किया था। अब ये जो पूरी बात निकलकर सामने आ रही है, एक सोशल मीडिया का होक्स भी हो सकता है, लेकिन जैसा कि ये यूज़र दावा कर रहे हैं तो हो सकता है ये सही भी हो। लेकिन अगर ये सही है तो फिर एक बार फिर से नए सिरे से सवाल तो होना शुरू हो ही जाएंगे। और फिर वैसे भी मेरा तो मानना सीधे सीधा ये है कि भाई जो लोग अवैध तरीके से भारत में आकर रह रहे हैं उनको वैध तरीके से बाहर निकाल देना चाहिए, जिससे कि हमारे देश में जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं, उनका इस्तेमाल हमारा देश तो कम से कम सही तरीके से कर सके। मतलब अगर आपके घर में 2 ही लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त खाना है तो आप 10 लोगों को रख के उनके सबका पेट नहीं भर सकते, क्योंकि ऐसे में उन 10 का तो भरेगा ही नहीं, जो 2 पहले से आपके यहाँ खा रहे थे उनका भी पेट नहीं भरेगा। तो इसलिए जो हक लाने मतलब जो हक वाले लोग हैं उनको पहले मिले तो ज़्यादा चीज़ें सही रहती है। मेरी वीडियो फिलहाल इतना ही, आपके मन में क्या है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।